स्टॉक्स को आप डिफरेंट कैटेगरीज में क्लासिफाई कर सकते हो। किसी को भी जाकर आप ये बता सकते हो कि आप ईवी सेक्टर में इन्वेस्ट करते हो, आप एग्रीकल्चरल स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हो या फिर आप स्टील इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करते हो। अभी तक क्रिप्टो करेंसीज को एक सेपरेट एसेट क्लास की तरह देखा जाता है। मेजॉरिटी ऑफ द इन्वेस्टर्स को ये नहीं पता है कि जो क्लासिफिकेशन आपकी स्टॉक्स में एग्जिस्ट करती है, सिमिलर क्लासिफिकेशन आपकी क्रिप्टो करेंसीज में भी एग्जिस्ट करती है। ये वीडियो बनाते हुए मार्केट में 21,000 से ज्यादा क्रिप्टो करेंसीज एग्जिस्ट करती है, तो यहाँ पे कॉमन सेंस की बात आ जाती है कि अगर मार्केट में 21,000 से ज्यादा क्रिप्टो करेंसीज एग्जिस्ट करती है तो मार्केट में कोई ना कोई प्रॉब्लम जरूर सॉल्व करिए, तभी उनका एग्जिस्टेंस है। Hey FinFarmers, I am Arun Malhotra and FinFarm में आप सभी का स्वागत है। आज के एपिसोड में हम बहुत ही इनोवेटिव तरीके से क्लासिफिकेशन करने वाले हैं सारी क्रिप्टो करेंसीज का। अब मैं इस चीज की गारंटी यहाँ पे ले सकता हूँ कि जिस एग्जाम्पल के थ्रू आज हम क्रिप्टो करेंसीज का क्लासिफिकेशन करेंगे वो आपको लाइफ लॉन्ग याद रहेगा। तो चलिए अब ज्यादा देर ना करते हुए आज का एपिसोड शुरू करते हैं। अगर आप FinFarm में क्रिप्टो 101 सीरीज फॉलो कर रहे हो तो हमने पहले ही एपिसोड में ये डिस्कस करा था कि एक नोटबुक और एक पेन जरूर साथ रखना। साथ रख लिया है, अच्छी बात है, नहीं रखा है तो रख लो, क्योंकि जो एग्जांपल हम डिस्कस करने वाले हैं ना वो आपको लाइफ लॉन्ग हेल्प करेगा सारी क्रिप्टो करेंसीज को क्लासिफाई करने के लिए। हम सारी की सारी क्रिप्टो करेंसीज का क्लासिफिकेशन एक ही स्टोरी से डिराइव करने वाले हैं। अब ये आपकी जिम्मेदारी है कि उस स्टोरी को ध्यान से सुनना भी है और समझना भी है। Now let's assume a scenario, आप अपने दोस्तों के साथ ही आउटिंग का प्लान आउट करें क्योंकि गर्मी बहुत हो रही है, चलो वाटर पार्क ही चलते हैं। जब आप लोगों ने वाटर पार्क गए, वहां पे 1,000 रुपए की टिकट थी। जब आप 1,000 रुपए वहां पे वाटर पार्क में जाके पे कर रहे हो एंड आप टिकट ले रहे हो, ठीक है, तो कहीं ना कहीं अगर आप देखो तो एक वैल्यू एक्सचेंज हो रही है, मतलब आपकी ट्रांजेक्शन कम्प्लीट हो रही है। आपने वहां पे 1,000 रुपए की पेमेंट करी एंड आपको वहां से टिकट मिल गई। तो हम जब भी बात कर रहे हैं एक्सचेंज ऑफ वैल्यू या फिर ट्रांजैक्शन की, तो वहां पे हमारी क्रिप्टो करेंसी की सबसे पहली क्लासिफिकेशन आ जाती है, दैट इज करेंसी क्रिप्टो करेंसी। ठीक है, ये सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा है कि करेंसी क्रिप्टो करेंसी, बट जैसे मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने बताया कि 21,000 से ज्यादा क्रिप्टो करेंसी मार्केट में एग्जिस्ट करती है, तो कॉमन सी बात है वो 21,000 की 21,000 एज अ पेमेंट एक्सेप्ट नहीं हो सकती। करेंसी क्रिप्टो करेंसीज का बेस्ट एग्जाम्पल बिटकॉइन। बिटकॉइन आपका एल साल्वाडोर में लीगल टेंडर बन चुका है, मतलब उस कंट्री में सारी की सारी बिजनेस ट्रांजैक्शंस आपके बिटकॉइन में होती है। प्लस आप मेजर कंपनीज भी देखो, वो भी बिटकॉइन को एज अ पेमेंट एक्सेप्ट कर रही है। अब सिर्फ बिटकॉइन ही नहीं, अगर मैं यहाँ पे एक पर्टिकुलर क्रिप्टो करेंसी की बात करूँ, फॉर एग्जाम्पल इथेरियम, तो आप इथेरियम नेटवर्क पर आप भी कोई भी ट्रांजैक्शन करते हो तो आपको गैस फीस इथेरियम में ही भरनी पड़ती है, तो वो भी आपकी एक करेंसी क्रिप्टो करेंसी। बिटकॉइन, लाइटकॉइन, इथेरियम, ये सारे करेंसी क्रिप्टो करेंसीज के बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। ठीक है, तो आपने करेंसी क्रिप्टो करेंसीज के थ्रू आपने वाटर पार्क में पेमेंट कर दिया, आपको टिकट मिल गया, अब आप वाटर पार्क के अंदर जाते हो। ठीक है, जब आप वाटर पार्क के अंदर जाते हो, जब मैं वाटर पार्क गया था ना, उन्होंने मेरी क्रिस्ट पे ना एक बैंड डाल दिया था कि आपकी टिकट है, तो वो जो मेरा बैंड है ना वो इंडिकेट कर रहा है कि वो टिकट के साथ लिंक्ड है। मतलब अगर मैं इसे और थोड़ा डीपर सेक्शन में देखूं तो फिर वो मेरा रिस्ट बैंड वो 1,000 रुपए की ना वैल्यू के साथ इंडिकेट कर रहा है कि वो टाइड अप है, 1,000 रुपए की टिकट के साथ मेरा मैच कर रहा है। तो यहाँ पे हमारी सेकंड क्लासिफिकेशन आ जाती है, दैट इज एसेट बैक्ड क्रिप्टो करेंसीज। अब एसेट बैक्ड से मेरा मतलब क्या था, जैसे अगर मैंने रिस्ट बैंड की बात करी जो मेरी टिकट के साथ लिंक्ड है, या फिर मैं और डीपर लेवल पे देख रहा हूं तो 1,000 रुपए के साथ लिंक्ड है। अब सिमिलरली क्रिप्टो करेंसीज एसेट बैक्ड से मेरा मतलब है, फॉर एग्जाम्पल पैक्स टोकन। अब आपका जो पैक्स टोकन है वो गोल्ड के साथ लिंक्ड रहता है, मतलब जितने पैक्स टोकन मार्केट में एग्जिस्ट करते हैं उतना ही गोल्ड रिजर्व है। USDT, USDC भी एसेट बैक क्रिप्टो करेंसीज के ही एग्जाम्पल है। अब ये गलती मत कर देना कि मैं फायट करेंसीज को एसेट्स कह रहा हूं, लेकिन जस्ट ये उसकी क्लासिफिकेशन है कि जो USDC और USDT क्रिप्टो करेंसीज में एग्जिस्ट करते हैं उनकी वैल्यू $1 के साथ पेग्ड है, एंड उन कंपनीज ने वही $1 के कैश रिजर्व्स अपने पास मेंटेन कर रखे हैं। तो एसेट बैक्ड एक बहुत इजी सा मीनिंग ये निकल कर आता है कि जिस भी टोकन की या जिस भी क्रिप्टो करेंसी की वैल्यू एक रियल वर्ल्ड एसेट के साथ लिंक्ड है या फिर एक रियल वर्ल्ड थिंग के साथ कनेक्टेड है, वो आपके एसेट बैक्ड टोकन्स होते हैं। अब एसेट बैक्ड क्रिप्टोस को आप एक और सब कैटेगरी में भी क्लासिफाई कर सकते हो, दैट इज स्टेबल कॉइन्स। स्टेबल कॉइन्स भाई आपके USDT एंड USDT, मतलब जिसकी वैल्यू बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट नहीं करती है, तो स्टेबल कॉइन्स आपका एक एसेट बैक्ड क्रिप्टो का ही एक सबसेक्शन होता है। तो अपना एग्जाम्पल वापस कंटिन्यू करते हैं। आप अपने दोस्तों के साथ घर से वाटर पार्क गए थे, वाटर पार्क जाके आपने 1,000 रुपए की टिकट ली, लेकिन जब आप वाटर पार्क के अंदर एंटर करते हो तो वाटर पार्क आपके लिए कंप्लीटली न्यू वर्ल्ड है। तो जब हम न्यू वर्ल्ड की बात करते हैं तो दैट इज योर मेटावर्स।
तो मेटावर्स क्रिप्टो करेंसी यहाँ पे हमारी तीसरी क्लासिफिकेशन आ जाती है, जैसे आपका सैंडबॉक्स टोकन, डिसेंट्रलैंड, सोल, ये सब आपके मेटावर्स टोकन की कैटेगरीज में ही आते हैं। तो आप एक नए वर्ल्ड में एंटर करो जहां पे आप नई चीजों के साथ इंटरेक्ट कर सकते हो, एंड वो इंटरेक्शन करने के लिए आपको मेटावर्स टोकन्स की जरूरत पड़ती है। तो आप वाटर पार्क के अंदर जाते हो तो आप वाटर पार्क के अंदर जाके ये चीज देखते हो कि वहां पे पानी पंप हो रहा होता है, इलेक्ट्रिसिटी डेफिनेटली यूज हो रही होगी पानी पंप करने के लिए, वहां पे स्टाफ मेंबर्स भी होते हैं ताकि आपकी सेफ्टी इंश्योर कर सके। तो जब हम इन चीजों की बात करें तो दीज आर यूटिलिटीज, एंड इन यूटिलिटीज की सिर्फ एक वाटर पार्क को जरूरत नहीं होती। अगर हम इलेक्ट्रिसिटी की बात करें, इलेक्ट्रिसिटी आप घर में भी कंज्यूम कर रहे हो, एंड जो आपके जैसे सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं वो सिर्फ आपके वाटर पार्क में नहीं होंगे, वो आपके बहुत सारे पब्लिक एरियाज में भी होते हैं। अगर आप मेट्रो स्टेशन की बात करो, आप रेलवे स्टेशन की बात करो, आप एयरपोर्ट्स की बात करो, वहां पे भी आपको एक सिक्योरिटी गार्ड देखने को बहुत ईजिली मिल जाएगा। तो ये सारी चीजें यूटिलिटीज में आ जाती है। तो यूटिलिटीज हमारी चौथी क्लासिफिकेशन बना देते हैं, दैट आर वेब थ्री टोकन्स, मतलब वो सर्विसेज जिसकी आपको रिक्वायरमेंट हो सकती है अपने एक सर्विस रन करने के लिए। ठीक है, मैंने इलेक्ट्रिसिटी का एग्जांपल दिया था कि वाटर पार्क इलेक्ट्रिसिटी यूज करता है, हम घरों में भी इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं। आज की डेट में क्लाउड स्टोरेज हर कोई यूज करता है, चाहे आप आईफोन यूज कर रहे हो, चाहे आप एंड्रॉइड यूज कर रहे हो, आपके पास आई क्लाउड होगा, आपके पास अपना माई ड्राइव होगा, तो यहाँ पे आपकी क्लाउड स्टोरेज आ जाती है। अब एक सिया कॉइन करके, अब सिया कॉइन का मेन पर्पस ही यही है कि वो डिसेंट्रलाइज्ड क्लाउड स्टोरेज प्रोवाइड करता है, तो वो आपको एक सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। एंड वो क्लाउड स्टोरेज सिर्फ सिया कॉइन्स वाले यूज नहीं कर सकते, अगर मुझे अपनी एक एप्लीकेशन रन करनी है डीफाई नेटवर्क पर एंड मुझे एक स्टोरेज की जरूरत है तो आई कैन यूज सिया कॉइन सर्विस। और ओरेकल्स की बात करते हैं तो ओरेकल्स भी आज की डेट में हर चीज में यूज हो रहे होते हैं। और ओरेकल्स आर बेसिकली, अगर आपका एक डेटा यहाँ पे है एंड दूसरी जगह पे भी आपको डेटा यूज करना है तो दोनों जगह पे अपडेटेड रहना चाहिए। तो चेन लिंक वही चीज आपकी डीफाई में कर रही होती है कि अगर फॉर एग्जाम्पल एक एक्सचेंज पे रेट ये है, एक एक्सचेंज पे रेट वो है, या फिर टाइम कुछ और चल रहा है, ब्लॉक चेन पे आपको टाइम की जरूरत है, तो चेन लिंक आपको वो टाइम प्रोवाइड कर रही है। तो ये सारे जो है हमारे वेब थ्री टोकन्स है, वेब थ्री क्रिप्टो करेंसीज है। अभी तक हम क्रिप्टो करेंसीज को चार अलग अलग क्लासिफिकेशंस में कैटेगराइज कर चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं अपनी पांचवी क्लासिफिकेशन की तरफ। आप वाटर पार्क में गए, आप अपने दोस्तों के साथ एंजॉय कर रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन वो वाटर पार्क कोई ना कोई ओन जरूर करता होगा। अब मैं यहाँ पे ये अज्यूम करके चलता हूँ, वाटर पार्क में बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट लगती है, एक बंदा ओन नहीं करता होगा। मैं अज्यूम कर रहा हूँ पांच बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है। अब वो पांच बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उस वाटर पार्क में गवर्नेंस रखते हैं, गवर्नेंस रखते हैं मतलब वो ओन करता है, एंड उन्हीं का ही लाइक डिसीजन रहेगा एट द एंड। तो हमारी पांचवी कैटेगरी बन जाती है क्रिप्टो करेंसीज में आपके गवर्नेंस टोकन्स या फिर आपके डीफाई टोकन्स। अब क्रिप्टो करेंसीज में कुछ डीफाई एप्लीकेशन भी होती है, जैसे हम आवी की बात करें, हम यूनिस्वॉप की बात करें, यूनिस्वॉप आपका एक डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है, आवी एक डिसेंट्रलाइज आप बैंक की तरह देख सकते हो। तो जब इन दोनों के डीफाई टोकन्स है, आवी के आवी टोकन्स है, यूनिस्वॉप के यूनी टोकन्स है, एंड अगर आप इन दोनों के गवर्नेंस टोकन्स ओन करते हो तो आपके पास उसकी डिसीजन मेकिंग में उतना ही वेटेज रहेगी। कोई भी नई चीज इंप्लीमेंट करने से पहले एक कम्युनिटी वोट डाला जाता है, एंड जो भी मेजोरिटी का डिसीजन होता है उसी पे ही एक्ट करा जाता है। तो आप इसे कहीं ना कहीं स्टॉक्स के साथ भी रिलेट कर सकते हो कि अगर आपके पास किसी कंपनी के इक्विटी शेयर्स हैं तो जितने परसेंटेज ऑफ इक्विटी शेयर्स आपके पास है आप उसी कंपनी में उतनी परसेंटेज ऑफ वोटिंग भी रखते हो। तो चलिए, अब आपका वाटर पार्क में दिन बहुत अच्छा था, आपने दोस्तों के साथ बहुत एंजॉय कर लिया, अब आपको घर जाना। जब आप घर जा रहे थे तो यूजुअली वाटर पार्क अम्यूजमेंट पार्क में ना अपनी मर्चेंडाइज शॉप होती है। अब आप वहां पे गए, आपको ना एक बहुत सुंदर सा एक ट्री टाइकून का एक मर्चेंडाइज था, आपने वो ले लिया। अब आप उसे खरीद के घर ले आए हो, एंड घर में वो क्या काम कर रहे हैं, सिर्फ शोपीस में रखा ही हुआ, देखा जाए उसकी कोई रियल यूज केस है ही नहीं। वो जस्ट आपने उसे डिस्प्ले में रख दिया, ठीक है, कोई घर में आ रहा है देख रहा है, एंड इवन आपने भी एक या दो बार देखा, तीसरे दिन से आप भी नहीं देखोगे, तो उसकी कोई यूज केस इन रियलिटी है ही नहीं, जस्ट आपको पसंद आ रहा था आपने खरीद लिया। तो हमारी सिक्स्थ कैटेगरी बन जाती है क्रिप्टो करेंसीज में, दैट आर मीम कॉइन्स या जोक कॉइन्स कह सकते हो अपन। मीम कॉइन्स और जोक कॉइन्स की कोई भी रियल वैल्यू नहीं होती है, वो जस्ट फॉर फन क्रिएट करे जाते हैं। एंड एक चीज मैं आपको ये बता देता हूँ, बहुत सारी पॉन्जी स्कीम्स आपकी मीम कॉइन्स में ही आती है, जैसे डोज इलोन करके कॉइन है वो लॉन्च कर दिया, इलोन कॉइन लॉन्च कर दिया, मतलब इलोन मस्क के ही नाम पे आपने मीम कॉइन्स क्रिएट कर दिए एंड मार्केट में रिलीज कर दिए। एंड मेजॉरिटी ऑफ दी रग पुल्स आर स्कैम्स बेसिकली, तो मेजॉरिटी ऑफ दी रग पुल्स आपको मीम कॉइन्स में ही देखने को मिलते हैं। मैं इस चीज पे भी डिनाई नहीं कर रहा हूँ कि काफी मीम कॉइन्स ने लोगों को मिलियनेयर्स भी बनाया। इसका एक बहुत ही रिलेटेबल एग्जांपल ले सकते हैं डोज कॉइन का। डोज कॉइन मीम कॉइन है, इसकी कोई रियल वैल्यू नहीं है,
ठीक है, इलॉन मस्क ने इस पे ट्वीट डाल के इसे 20 पैसे से 50 रुपए तक पहुंचा दिया था। मीम कॉइन्स के आप और भी एग्जांपल ले सकते हो, जैसे शिबा इनू हो गया, सेफ मून हो गया। देखा जाए इन क्रिप्टो करेंसीज की कोई रियल वैल्यू नहीं होती है, ना ये एज अ पेमेंट यूज करे जाते हैं, जस्ट फॉर फन क्रिएटेड होते हैं। अभी तक हम सारी की सारी क्रिप्टो करेंसीज 6 अलग अलग कैटेगरीज में क्लासिफाई कर चुके हैं। सबसे पहली करेंसी क्रिप्टो करेंसी, जो क्रिप्टो करेंसीज आपकी एज अ पेमेंट ट्रांजैक्शन या फिर वैल्यू एक्सचेंज की तरह यूज हो रही। फिर हमने सेकंड नंबर पर डिस्कस किया था एसेट बैक्ड क्रिप्टो करेंसीज, जिन क्रिप्टो करेंसीज की वैल्यू एक रियल वर्ल्ड एसेट के साथ पैक्ड है। यहाँ पे हमने एक सब कैटेगरी भी डिस्कस करी थी, दैट आर स्टेबल कॉइन्स। फिर हम तीसरी कैटेगरी पे गए थे मेटावर्स। मेटावर्स वॉटर पार्क जैसे एक न्यू वर्ल्ड है, तो मेटावर्स भी आपका न्यू वर्ल्ड हो जाता। फिर हमने चौथी कैटेगरी पे डिस्कस किया था यूटिलिटीज या फिर वेब थ्री क्रिप्टो करेंसीज, वो क्रिप्टो करेंसीज जिनकी आपको जरूरत है अपनी सर्विसेज सक्सेसफुली रन करने के लिए। यहाँ पे हमने सिया कॉइन और चेनलिंक का एग्जांपल लिया था कि जैसे सिया कॉइन आपको डिसेंट्रलाइज्ड स्टोरेज प्रोवाइड कर रहा है, चेनलिंक आपको ओरेकल्स प्रोवाइड कर रहा है ब्लॉकचेन नेटवर्क पर। फिर हमने अगली क्रिप्टो करेंसीज की क्लासिफिकेशन देखी थी, दैट आर गवर्नेंस टोकन्स या फिर डीफाई टोकन्स, मतलब जहां पे आप कहीं ना कहीं ओनरशिप रखते हो उस प्रोजेक्ट के अंदर। फिर हमने लास्ट में डिस्कस किया मीम कॉइन्स या जोक कॉइन्स जिनकी कोई रियल वैल्यू नहीं होती। अब मैं यहाँ पे एक चीज कन्फेस करना चाहूंगा, क्रिप्टो करेंसीज को ना आप 7 अलग अलग कैटेगरीज में क्लासिफाई कर सकते हो, लेकिन अभी तक हमने ना 6 ही डिस्कस करी। 7वीं क्रिप्टो करेंसी ना कहीं मैं शायद इस एग्जांपल में फिट नहीं कर पा रहा था, तो उसको अलग से डिस्कस करते हैं। और उसको डिस्कस करने से पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे, अगर आप वीडियो में यहां तक पहुंच ही चुके हो तो वीडियो अभी ही पॉज करके लाइक बटन दबा दो, और अगर आपको एग्जांपल अभी यहां तक पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। आप सब्सक्राइब बटन प्रेस करते हैं, आप लाइक बटन प्रेस करते हैं, हमें मोटिवेशन मिलती है, हम आपके लिए और अच्छा कंटेंट डिलीवर कर पाए। तो चलो अब अपनी लास्ट कैटेगरी डिस्कस करते हैं, दैट आर प्राइवेसी कॉइन्स। प्राइवेसी कॉइन्स को कहीं ना कहीं मैंने हमारे वाटर पार्क वाली एग्जांपल में फिट करने की कोशिश करी थी। मैं आपको बता देता हूं कहां पे मैंने कोशिश करी थी, अब आप बेटर जज हो क्या वहां पे वो सूट करता या फिर नहीं करता। प्राइवेसी कॉइन्स का मेन फंक्शन ये होता है कि जो आप पेमेंट्स करते हो, ठीक है, अगर मैं बिटकॉइन की बात करूं तो बिटकॉइन में आपका सेंडर्स एड्रेस, रिसीवर एड्रेस एंड आपका बैलेंस एंड इवन आपकी पास्ट ट्रांजैक्शंस सब कुछ पब्लिकली अवेलेबल होता है। सिर्फ आपके बिटकॉइन पे नहीं, इथेरियम पर भी यही है, बाकी सारी क्रिप्टो करेंसीज पे यही आपका फॉलो होता है। लेकिन प्राइवेसी कॉइन्स पे आपका सेंडर्स एड्रेस, रिसीवर एड्रेस, बैलेंस, पास्ट ट्रांजैक्शंस ये सब कुछ प्राइवेट रहती है। अब वाटर पार्क वाले एग्जांपल में जोड़ने का मेरा क्या मतलब था कि जब आप टिकट लेने जा रहे हो तो टिकट में अगर आप कैश में पेमेंट करते हो ना, तो कैश में जब आपने पेमेंट कर दी तो कोई भी सामने से आपसे ये नहीं पूछता आपका आधार नंबर क्या है, आपका पैन कार्ड नंबर क्या है, आपने जस्ट एक कैश ट्रांजैक्शन कर दी तो उस कैश ट्रांजैक्शन का कोई रिकॉर्ड नहीं रहता। सेम कॉन्सेप्ट आपका प्राइवेसी कॉइन्स में भी फॉलो होता है कि जहां पे आपने कोई ट्रांजैक्शन कर दी है तो उसका कोई रिकॉर्ड नहीं रहता है। तो अगर आप वाटर पार्क में टिकट यूपीआई, पेटीएम या फिर किसी भी ऑनलाइन मोड के थ्रू लेते हैं तो वहां पे ट्रैक करा जा सकता था कि वो टिकट आपने ही खरीदी है, लेकिन अगर आप वही सेम फंक्शन कैश में परफॉर्म करते तो आपको कोई ट्रैक नहीं कर सकता था। तो कहीं ना कहीं मैं प्राइवेसी कॉइन्स को इस तरीके से इस एग्जांपल में फिट करने की कोशिश कर रहा था, बट मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद से ये सही नहीं बैठ रहा। ठीक है, अब मैंने आपको पहले बोला आप बेटर जज हो, तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना क्या ये प्राइवेसी कॉइन्स वाला एग्जांपल हमारे वॉटर पार्क वाले एग्जांपल में फिट बैठ रहा है या फिर नहीं बैठ रहा। तो हम सारी क्रिप्टो करेंसीज को अभी तक 7 अलग अलग कैटेगरीज में क्लासिफाई कर चुके हैं। 6 कैटेगरीज वापस से रिवाइज कर लेते हैं। 7वीं अभी अभी हमने ऐड करी है प्राइवेसी कॉइन्स, सबसे पहली करेंसी क्रिप्टो करेंसी, फिर आपका एसेट बैग जिसमें हमने एक और सब सेक्शन डिस्कस किया था स्टेबल कॉइन्स का, फिर हमने डिस्कस करी मेटावर्स, फिर वेब थ्री, फिर हम आगे गवर्नेंस या फिर डीफाई टोकन्स पे, फिर मीम कॉइन्स और लास्टली हमने डिस्कस कर लिया है प्राइवेसी कॉइन्स। तो इसी के साथ आप सारी क्रिप्टो करेंसीज को 7 अलग अलग कैटेगरीज में क्लासिफाई कर चुके। अब आपने एग्जांपल नोटबुक में लिख लिया है तो आपको ये लाइफ लॉन्ग डेफिनेटली याद रहेगा, ये मेरी गारंटी। ऑलराइट फिन फार्मर्स, आज के एपिसोड में बस इतना ही। कमेंट करना मत भूलना, मुझे सच में जानना है क्या वो प्राइवेसी कॉइन्स का एग्जांपल हमारे मेन एग्जांपल के साथ फिट बैठ रहा है नहीं बैठ रहा है, और अगर पहले लाइक बटन नहीं दबाया था तो अब दबा देना, और ऐसी और कंटेंट के लिए फिनफार्म को सब्सक्राइब करना मत भूलना। हम फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड के साथ।